मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी एक गलती मेरे इतने बड़े दुख का कारण बनेगी। जैसा कि हर एक नए ब्लॉगर का सपना होता कि है वो आईफोन से ब्लॉग बनाया करे, वैसे ही मेरा भी था। इसलिए मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर आईफोन 14 तो नहीं मगर एक आईफोन 6s खरीदा था, और ये मेरे लाइफ का पहला आईफोन था जहाँ से मैंने अपने इस ब्लॉग चैनल की शुरुआत की। मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत कर बहुत सारी वीडियोस बनाई, और आप लोगों के प्यार से मेरे 35,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। एक दिन मैं मॉल गया था जहाँ पे 3 लड़कों ने मुझसे कहा कि आईफोन को पानी में डालने से कुछ नहीं होता। मैंने अपने आईफोन को बिना सोचे पानी में डाल दिया, लेकिन मैंने 5 से 6 सेकंड में उसे निकाल भी लिया था। सब कुछ सही से काम कर रहा था, मैं भी बहुत खुश था, लेकिन तभी ये ऑफ हो गया और चालू ही नहीं हो रहा था। मैंने इसे लाकर मैकेनिक के पास भी दे दिया। 30 दिन रखने के बाद भैया आज फोन लौटा देते हैं और बोलते हैं इसे बनाने में 7,000 खर्च होंगे। मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं और चैनल पे मेरे इतने व्यू नहीं आते कि मैं उस पैसे से इसे बनवा पाऊँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे साथ जरूर जुड़ना, जिससे मैं इसे फ्यूचर में जरूर बनवा पाऊँ।